दोस्तों आमतौर पर अगर किसी मूवी का रीमेक बनता है तो उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड मूवीज के 3 ऐसे सीन्स के बारे में जो हॉलीवुड से ये सोचकर कॉपी किए गए कि किसी को क्या ही पता लगेगा। नंबर 3 पर जो सीन आता है वो है शाहरुख खान की दिलवाले मूवी से। इस मूवी में एक सीन था जब SRK और काजल दोनों अपनी गाड़ियां चला रहे होते हैं और सिर्फ चलाते ही नहीं बल्कि स्पिनर की तरह गोल गोल घुमा भी रहे होते हैं। तभी अचानक काजल अपनी गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर लटक जाती है, फिर SRK आकर उन्हें बचा लेते हैं और ये पूरा सीन कॉपी है फेमस मूवी मिशन इम्पॉसिबल 2 से। नंबर 2 पर जो सीन आता है वो है हाउसफुल मूवी से। फिल्म में एक सीन था जब एक बंदर और अक्षय कुमार एक दूसरे को बिना रुके थप्पड़ थप्पड़ मार रहे होते हैं। ये सीन कॉपी किया गया था हॉलीवुड की एक आइकॉनिक मूवी नाइट एट द म्यूजियम से। मूवी का कंसेप्ट गजब का था क्योंकि इस मूवी में एक ऐसा म्यूजियम था जिसकी चीजें रात को जिंदा हो जाती थी। नंबर 1 पर आता है धमाल मूवी का ये वाला सीन, जहां पर ये 4 दोस्त अपनी गाड़ी को लेकर ब्रिज के दूसरी पार कूदा रहे होते हैं। सेम सीन हॉलीवुड की मूवी रोड ट्रिप से कॉपी किया गया है। फर्क बस इतना था कि धमाल में वो पैसों के लिए गाड़ी कूदवाते हैं और रोड ट्रिप में अपने दोस्त के रिलेशनशिप को बचाने के लिए।